to this beautiful rainy afternoon. Hi, I'm Ruchi. Rangili Ruchi ke naam se jaani jaati hu on radio in Mumbai, and I am so happy to welcome all of you to the trailer launch of Haseena Parker. I must tell you ki kis tarah se dil thaam ke pichle ek mahine se is film ke trailer ka intezar ho raha hai. Teaser is film ka ek mahine pehle launch hua tha. And it has already crossed 7.5 million views. Zordaar taaliyan ho jaye for this huge success that the film has achieved already. So finally, I think, एक ऐसी औरत की कहानी जो एक माँ थी, एक बीवी थी, एक बेटी थी, लेकिन ये सारे रिश्ते फीके पड़ गए क्योंकि वो एक बहन थी, एक भाई की बहन थी. I think we have to give it up to Shraddha Kapoor also, who's breaking all boundaries. You know, we knew. Come all the way here to this iconic cinema, ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही special feeling महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने iconic theatre में हमारा trailer launch हुआ है. And I know कि rains की वजह से कभी-कभी inconveniently महसूस होती है, so thank you so much for coming. To each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody, thank you for ये effort लेने के लिए. And मेरे लिए of course शब्दों में express करना काफी difficult हो जाता है क्योंकि ये जो experience रहा है मेरे लिए, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये film offer की, उनके उनके विचार में मैं आई to play this role, to play this character. पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक तो एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो समवन इज सीन इन वन टाइप ऑफ अ रोल. राइट, एब्सोल्युटली. एंड मैं बहुत बहुत ही, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, खास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो इट्स बीन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. एंड आई जस्ट होप कि सबको ट्रेलर पसंद आए, पीपल एंजॉय द फिल्म एज वेल. थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू. सिद्धार्थ, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं यहाँ पे, तो भाई बोले तो भाई बने भाई, वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन भी. हाउ वाज इट, हाउ वाज इट? थैंक यू एवरीबॉडी फॉर शोइंग अप. बेसिकली मेरा जो, मैं ये फिल्म के लिए सबसे पहले कास्ट हुआ था. अच्छा, ओ वाओ. कुछ 3 साल पहले आए थे. तो मुझे अपूर्वा सर का फोन आया कि यू नो आई वांटेड टू प्ले दाऊद इब्राहिम. तो मैं बोला सर मस्ती मत कर रहे यार, मैं दाऊद इब्राहिम. तो ही लाइक नो नो आई जस्ट वांट यू टू कन्विंस मी दैट यू कैन लुक लाइक हिम. तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार. तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो ऋषि कपूर सर ने प्ले किया, जय अक्षय कुमार सर ने प्ले किया. तो आई टुक ऑल माय फादर्स क्लोथ्स, मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए, हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर, और एक फोटोग्राफर को बुलाया और मैं शूट किया, और उस सर को मैंने मेरी तस्वीरें दिखाई. तो ही इज लाइक ग्रो योर ऑन. मैं बहुत खुश हुआ. आई वाज कास्ट विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुड डू द फिल्म, सो माय सिस्टर केम ऑन बोर्ड आफ्टर दैट, व्हिच वाज कंप्लीटली द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू इट माय लाइफ in my career, in my you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook, how she's done it, how she looked, and matlab I can't believe that is her, you know, that story nahi. To kafi dino se maine ye cheez likhi, fir wapas gaya, fir kafi detail mein character ki brief bhi hui ki Ibrahim jo the wo kafi lambe rawdar pathan the, और काफ़ी हसमुख नेचर के थे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में, और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंटमैन का काम भी करते थे सही में. तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी, काफ़ी दिन उस पर काम किया, फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी. तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में हम लोगों का तालमेल सही बैठा, और उसके बाद स्टार्टेड ऑफ, इट वाज वेरी गुड. वाह वाह वाह, वी कांट वेट टू वॉच द फिल्म.
अपूर्व मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुछ इससे पहले दैट यू नो आई ओपन द फ्लोर फॉर मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर व्हाई दिस सब्जेक्ट व्हाई हसीना पारकर Actually, when Sameer Anthule, who I'm going to call on stage pretty soon, he's also the co-producer of the film. Okay. He approached me for another subject on Dawood Ibrahim. And I told him that was done to death. So he said, no, aap unki behen Haseena ji se baat kariye. So when I went and met her, and she started telling me the anecdotes in her life, ke jab wo chote the, wo kaise rehte the. Aur to jaise unki story mere saamne aayi, where she was trying to explain about her brother and how he grew up. I turned around and told her ke main aapke upar story bana sakta hu lekin dusri nahi bana sakta. So she said nahi, you know, she was a little skeptical because she's a very private person. To do teen din baad maine Sameer bhai ko wapas bola ke bhai kar do udhar jadoo aapka. To he went and convinced her, mujhe pata nahi kaise. And then I started spending time with her and करीबन 1.5 years उनके साथ उनके फैमिली के साथ उसके बाद बिकॉज यू आर मेकिंग अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन हुज ब्रदर सो वेल नोन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट के यू गेट द रियल साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ द पुलिस आल्सो सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू द पुलिस कमिश्नर आई वेंट टू मीरा बोरवांकर हु वाज हेड ऑफ येरवाड़ा जेल एंड शी गेव मी एंसर्स बिकॉज शी वाज द वन हु एक्चुअली interviewed her and interrogated her after the bomb blast. So we had to get a full view of the film from all specters to bring this on screen. And this story बहुत simple है, एक औरत की story है जिसने इतनी मुश्किलें अपनी जिंदगी में पाई है और वो इतनी strong है. उनके सामने उनके पति को 17 बार गोली मारी गई थी. वो खुद उनको अपने shoulder पे hospital ले गई. उनका बड़ा बेटा उनके सामने मर गया. उनका भाई उनके सामने मर गया. वो अकेली हैं उनके खानदान में जो इंडिया में रहती है, बाकी सब बाहर है. उनके ऊपर 88 केसेस थे लेकिन प्रूफ नहीं था तो कोर्ट में सिर्फ एक बार गई थी वो. तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, मसाला था इसमें, तो दैट इज वन रीजन आई सिलेक्टेड. एंड देन वी वर थिंकिंग एंड आई सेड दैट वी शुड अप्रोच श्रद्धा एंड पीपल सेड यू नो हाउ टू डू इट. ओके, सो आई सेड Let's meet her here. And the advantage of having Shraddha was that I personally consider her as one of the finest talents in our country right now. Of course. I think she's amazing. And when I started working with her, I realized how... Can we roll a mic, please, media man? क्योंकि जो आवाज रिया सोमानी के लिए चाहिए थी वो नहीं. आई वॉज अनएबल टू डब बिकॉज माई वॉइस वॉज स्टक इन अ बेसी टोन. सो देन मोहित सूरी हैड टू कम फॉर द नेक्स्ट डबिंग सेशन एंड हैड टू सिट एंड टॉक टू मी एंड एक्सप्लेन टू मी टू गेट बैक इन टू दैट फ्रेम ऑफ माइंड. बट आई फील लाइक यू नो फ्रेंकली इट इज दिस जर्नी, जो जर्नी है टू प्ले हसीना पारकर. वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस, हम गाड़ी में थे, मैं अंकुर और भैया हम साथ में थे. इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ अपू सर वॉज नॉट सो ऑब्सेस्ड अबाउट द सब्जेक्ट. ही नोज ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म. ये हसीना पारकर भी है, भाई भी है, इब्राहिम भी है. ही वो जिस तरह से वो जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, तो आई फील कि ही वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. जो गाइडिंग लाइट थे हमारे वो अप्पू थे. एंड वॉट एवर पीपल हैव सेड अबाउट द टीजर बिफोर दिस ऑल्सो, जो हमें बहुत प्यार मिला था उस टीजर के लिए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अप्पू सर एंड द फैंटास्टिक टीम दैट वी हैड. एक और सवाल है सिद्धांत और श्रद्धा आप दोनों के लिए. घर में ही क्रिटिक्स है, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ही ट्रेलर को लेकर? ही इज द बिगेस्ट क्रिटिक घर पे सबसे, मतलब पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी.
हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है, डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है, बट आफ्टर ही सॉ द टीज़र ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है. वो इट्स वेरी रेयर टू फॉर हिम टू से हिट है बिकॉज ही इज बीन सो एक्सपीरियंस्ड, यू नो. सो आई गेस वी आर सेफ विद आवर डैड्स जजमेंट आफ्टर द टीज़र एंड द ट्रेनर. आई मीन बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म. बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नजर आने वाली हूँ, तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज. एंड ऑल थैंक्स टू अप्पू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं, तो थैंक यू सो मच अप्पू सर. थैंक यू सर. क्योंकि आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. हाय, मेघा हियर फ्रॉम रिपब्लिक टीवी. माय क्वेश्चन इज फॉर अपूर्वा सर. सर, वाज श्रद्धा योर फर्स्ट चॉइस फॉर दिस मूवी? एक्चुअली फर्स्ट वी अप्रोच सोनाक्षी एंड वी आवर फिल्म केप्ट गेटिंग डिलेड बिकॉज़ जॉन हैड गॉट injured during her shooting of Force. And won't be able to comment. Next question, please. Hi, Shraddha. This is Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine. Shraddha, sab jante hain ki Daud ek global terrorist hai. Uski Daud ki jo kahani hai, almost sabhi ko pata hai. At least detail mein nahi pata hogi, lekin upri taur par pata hogi. Lekin Haseena Parker ke bare mein logon ko itna nahi pata. जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके मन में एप्रिहेंशन था कि यू कांट सी योरसेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है, तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अबू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अबू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस जैसे मैंने पहले भी कहा था हसीना के लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी, तो एक जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे यू नो इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उसमें जो कुछ भी बीती थी, यू नो दैट इज समथिंग दैट रियली रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में. और मुझे लगा कि ये बहुत मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अपू सर बहुत मतलब ही सेड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. मैंने उनसे कहा आई लव द स्टोरी, आई लव द स्क्रिप्ट, एंड आई मीन दिस वुमन हैज गॉन थ्रू सो मच, एंड ही सेड यू कैन डू इट. एंड उनका कॉन्फिडेंस देख के आई फेल्ट कि ओके इफ माई डायरेक्टर फील्स आई कैन डू इट देन आई हैव टू ट्रस्ट हिम, एंड फिर दैट्स हाउ इट हैपेंड. गैंगस्टर की फिल्में बनती हैं, गैंगस्टर बेस फिल्में जो बनती हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती है या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है, ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है, तो उसे अवॉइड करने क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए जैसे हालात में बस उसे दिखाया गया वैसे? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी, लेकिन क्या होता है सर कि जो जब यह किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो जिसकी फैमिली है, जिसके जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर. नाउ एज अ फिल्म मेकर आई टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू. मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से उनके रिश्तेदार से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो